विकसनशील देश जहां अनेकता में एकता है। यहां विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ बसते हैं। अपने भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, जो कि पूरे विश्व में भारत जनसंख्या में दूसरे पायदान पर है, जिसमें सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इस भारतवर्ष में प्रतिदिन 73,787 नवजात शिशु जन्म लेते हैं, तो दिन ब दिन लाखों की तादाद में भिन्न भिन्न चिकित्साएं ऑपरेशन होते हैं। इन सभी घटनाओं में एकमात्र समानता ये है कि इसमें खून की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और इनके ना मिलने पर कई लोगों की जान भी जाती है। हमारे देश में हर साल लगभग 1,30,00,000 यूनिट खून की जरूरत होती है। इस धरती पर कोई ऐसा मनुष्य प्राणी नहीं होगा जिसे रक्त का मतलब क्या ये पता न हो। रक्त मानव शरीर का ऐसा तरल पदार्थ जिसकी डोर हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, बल्कि ये कह सकते हैं कि इसके बगैर हमारे जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे रक्त का निर्माण केवल और केवल मानव शरीर में ही हो सकता है, ये किसी लैबोरेटरी या फैक्ट्री में नहीं बन सकता। सन 1914 में हुए महायुद्ध के बाद जवानों को बड़े पैमाने पे खून की जरूरत महसूस हुई। 1936 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व की पहली ब्लड बैंक ने जन्म लिया, तो वही 1942 में भारत में ब्लड बैंक का निर्माण कोलकाता में हुआ। आज 2017 में हमारे देश में 29,000 ब्लड बैंक है, इनमें से महाराष्ट्र में 250 और नागपुर में 14 ब्लड बैंक है, अपितु संपूर्ण मध्य भारत यानी कि विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी अत्याधुनिक तंत्र ज्ञान से सुरक्षित आईडी नेट टेस्टेड ब्लड देने वाली एकमात्र ब्लड बैंक है, और वो है लाइफलाइन ब्लड बैंक। लाइफलाइन ब्लड बैंक 17 साल से जरूरतमंदों को अविरत सेवाएं प्रदान कर रही है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं इस ब्लड बैंक के बारे में। डॉक्टर हरीश वर्भे और डॉक्टर वनश्री वर्भे, इस दंपति ने सन 2000 साल में इसकी रचना की। डॉक्टर हरीश वर्भे ने नागपुर विश्वविद्यालय से MBBS और MD की डिग्री ली है। इसी तरह डॉक्टर वनश्री वर्भे ने DHMS और DMLD की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। मुंबई के KEM अस्पताल से ब्लड बैंक की माहिरत हासिल करने के पश्चात सन 2000 साल में सेंट्रल इंडिया मेडिकल ट्रस्ट, इस चैरिटेबल ट्रस्ट तथा धर्मादाय संस्था द्वारा लाइफलाइन ब्लड बैंक का शुभारंभ हुआ। डॉक्टर हरीश और डॉक्टर वनश्री वर्भे, इन्होंने रात दिन एक कर कठोर परिश्रम से अपनी मेहनत को सींच कर इस ब्लड बैंक को मध्य भारत की एक अग्रगण्य बैंक बनाया। आज विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी और महाराष्ट्र में दूसरे पायदान पर है। भारत की 10 नामांकित ब्लड बैंक में भी इसका समावेश हो चुका है। इस ब्लड बैंक में 10 डॉक्टर्स, 80 प्रयोगशाला विशेषज्ञ, अन्य 60, ऐसे कुल मिलाकर 150 समर्पित और कुशल कर्मचारी हर समय 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ हर महीने लगभग 50 रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। सालाना 35,000 से 40,000 रक्तदाताओं का रक्त जमा किया जाता है। बड़ी मात्रा में रक्त संकलन के लिए अत्याधुनिक सुविधा युक्त 4 मोबाइल वैन और 1 कोल्ड वैन है। वैद्यकीय शास्त्रों के अनुसार संकलित किए गए रक्त के 100% ब्लड कंपोनेंट्स, यानी कि रक्त के घटक तैयार करके सालाना 90,000 ब्लड कंपोनेंट्स जरूरतमंद मरीजों को दिए जाते हैं। ये संस्था अपना कार्यक्षेत्र नागपुर तक ही सीमित न रखकर संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुद्ध रक्त की सुविधा प्रदान कर रही है। लाइफलाइन ब्लड बैंक गुणवत्ता की कसौटी पर आसमान छू रही है।
भारत सरकार की क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से NABH मान्यता प्राप्त तथा भारत के NACO की मान्यता भी इसे प्राप्त हुई है, जो कि एकमात्र ब्लड बैंक है। लाइफलाइन ब्लड बैंक समाज हित तथा समाज सेवा में अग्रसर है। थैलेसीमिया सिकल सेल जैसे घातक बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुफ्त में रक्त दिया जाता है। रक्त दिया जाता है। नैसर्गिक विपदाओं में ये अपनी सेवा प्रदान करते हुए अग्रसेन रहती है। महाराष्ट्र राज्य सरकार तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भी कई सामाजिक संस्थाओं ने इसे नवाजा है। लाइफलाइन ब्लड बैंक के डायरेक्टर और विशेषज्ञ डॉक्टर हरीश वर्गे महाराष्ट्र राज्य रक्त संक्रमण परिषद के एक्सपर्ट पैनल पर नियुक्त है तथा एशियन एसोसिएशन ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के एक्सपर्ट कमेटी मेंबर है। इसके साथ इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन इस संस्थान के उपाध्यक्ष तथा नागपुर ब्लड बैंक फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर हरीश वर्गे और डॉक्टर वनश्री वर्गे, इनसे आइए अधिक जानते। मैं डॉक्टर हरीश वर्गे, डायरेक्टर लाइफलाइन ब्लड बैंक। एक तो रक्तदाता जो कि ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ पे आते हैं, रक्तदान के लिए आते हैं, और दूसरे पेशेंट और उनके पेशेंट के रिलेटिव्स जिनको खून की जरूरत पड़ती है। लेकिन ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली समझने के लिए सबसे पहले रक्तदाता का रक्त संकलन किया जाता है। वहां से अपन प्रोसेस कैसी, सबसे पहले रक्तदाता आने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिनका की उम्र 18 से 65 साल है और वजन 45 केजी के ऊपर है, उन्हीं से अपन रक्तदान लेते हैं। रक्तदाता आने के बाद सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है, जिनमें उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद में उनका एक मेडिकल काउंसिलिंग होता है, जिसमें जो पेशेंट को अपन जो ब्लड देने वाले हैं, वो जितना सेफ ब्लड दे सके वो कोशिश के लिए उनकी मेडिकल काउंसिल होने के बाद उनकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, जिसमें उनका बीपी चेक किया जाता है, उनका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। मेडिकल एग्जामिनेशन करने के बाद अगर डोनर अगर एलिजिबल है, यानी रक्तदान करने के काबिल है, तो उनका रक्तदान करने के लिए अपन ब्लड डोनेशन रूम में उनको ले जाते हैं। अपने शरीर में करीब करीब 5 लीटर खून होता है, जिसमें से रक्तदान के दरमियान सिर्फ 350 या 450 ml ब्लड लिया जाता है, जो कि 24 घंटे में पूरा भर के निकलता है। और ये केमिलेबल्स टेस्टिंग करने के लिए या इन्फेक्शन स्क्रीनिंग करने के लिए ये अपन ने जापान से आई हुई रॉश या हिताची कंपनी की ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है केमिलोमेसिस, ये फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक मशीन्स का हम जिसमें यूज करते हैं, जिसमें मैनुअल एरर्स एकदम जीरो हो जाती है और सेफेस्ट ब्लड पेशेंट को हम अवगत करा सकते हैं, दे सकते हैं। कंपोनेंट सेपरेशन लैब में, जिसमें वो जो ब्लड कलेक्ट किया गया है ट्रिपल बैग में और क्वार्टर बैग में, उसके रेड सेल प्लाज्मा और प्लेटलेट हम सेपरेट करते हैं। और वो सेपरेट करने के लिए दो पद्धति होती है, एक तो मैनुअल सेंट्रीफ्यूज होता है, मैनुअल कोल्ड सेंट्रीफ्यूज, जिसकी कीमत करीब 4 से 6 लाख के आसपास होती है। और हम तो लाइफ लाइन में फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंट्रीफ्यूज शुरुआत से ही वापर रहे हैं, जिसकी कीमत करीब करीब 30 से 40 लाख की होती है। और जो मैनुअल सेंट्रीफ्यूज में वाइब्रेशन होने के कारण जो कंपोनेंट सेपरेशन कंप्लीट नहीं होता है, और जो डेलिकेट सेल्स जो होते हैं ब्लड के, जैसे कि प्लेटलेट, वो फूट जाते हैं, वो लाइज हो जाते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, ये जो फुल्ली ऑटोमेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंट्रीफ्यूज है, वो वाइब्रेशन लेस सेंट्रीफ्यूगेशन के कारण 100% कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, और जो प्लेटलेट लाइक डेलिकेट सेल्स जो है, वो सेल्स टूटते फूटते या तो वो बेकार नहीं होते हैं, लाइज नहीं होते हैं, जिसके कारण जो फुल्ली ऑटोमेटेड कोल्ड सेंट्रीफ्यूज है, ऑटोमेटेड कोल्ड सेंट्रीफ्यूज, उससे अपने को कई गुना अच्छा क्वालिटी का ब्लड कंपोनेंट सब हुए हमें मिल सकते हैं। जो होते हैं तो ल्यूकोसाइट होते हैं ब्लड में, उसी कारण जो रिएक्शन आने के पेशेंट को चांसेस रहते हैं, उसको निकाल के क्वार्टर बैग से
ये जो मशीन्स दिख रहे हैं ल्यूकोडिप्लीशन मशीन्स, उससे उसके भी जो मशीन्स है इसमें अपन ल्यूकोडिप्लीशन करते हैं, यानी डब्ल्यूबीसीज है अपन कम करते हैं ब्लड प्रेशर, जिसके कारण पेशेंट को रिएक्शन आने के चांसेस है और जिसके कारण ज़्यादा से ब्लड अपन पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा ल्यूकोसाइट फोर लॉग निकालने के लिए, फिल्टर करने के लिए हम ल्यूकोसाइट फिल्टर्स यहाँ पर अपन यूज करते हैं, जिससे सेफेस्ट ब्लड पेशेंट को, ल्यूकोडिप्लीटेड सेफेस्ट ब्लड अपन पेशेंट को दे सकते हैं। ब्लड कलेक्शन के बाद में दो पैरेलल प्रोसेस ये ब्लड के ऊपर होते रहती है। एक तो जो टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया जाता है, ब्लड का नमूना, उसको एक लैब में, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग लैब में लिया जाता है, उसका ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट होता है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और ऐसे बीमारियां जो रक्त के द्वारा ब्लड डोनर से पेशेंट को जाने की संभावना होती है, ऐसी 5 इन्फेक्शन की टेस्ट ये ब्लड के ऊपर की जाती है, जैसे कि जिसमें क्या आता है HIV/AIDS, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस। हमारे लाइफलाइन में ये ब्लड की इन्फेक्शन स्क्रीनिंग की टेस्ट केबिलोमेलसिस मेथड से या क्लिया मेथड से की जाती है, जिसके लिए ये जो जर्मनी से आई हुई रॉश कंपनी की फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोटिक मशीन का हम यहाँ पे वापर करते हैं, जिसमें कि सेफ ब्लड पेशेंट को मिल सके। जो ब्लड बैंक है उसकी पैरेलल दूसरे लैब में, कंपोनेंट सेपरेशन लैब में, उसके अलग अलग घटक सेपरेट किए जाते हैं, जिसमें कि रेड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट, ये अपन एक कोल्ड सेंट्रीफ्यूजल क्रायोफ्यूज से अपन उसको सेपरेट करते हैं। अब ये क्रायोफ्यूज है या तो कोल्ड सेंट्रीफ्यूज है, उसमें वो भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें कि एक मैनुअल सेंट्रीफ्यूज होता है जिसमें थोड़े वाइब्रेशन वगैरह होते हैं। वाइब्रेशन लेस होने के कारण जो ब्लड के कंपोनेंट है तो क्लियरली सेपरेट होते हैं और डेलिकेट सेल्स लाइक प्लेटलेट जो है वो डैमेज नहीं होते। इसमें जो मिलने वाला जो कंपोनेंट की जो क्वालिटी होती है वो उससे कई ज़्यादा होती है। सपोज अगर मैनुअल सेंट्रीफ्यूज से अगर एक पेशेंट को 5 से 6 अगर प्लेटलेट करना है तो उससे 3 से 4 प्लेटलेट में काम हो जाता है। दिखने को तो प्लेटलेट की बैग सही ही दिखती है, लेकिन उसके अंदर क्या क्वालिटी है, ये कैसा प्रोसेसिंग वो ब्लड बैंक के ऊपर किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस ब्लड मिलने के लिए ल्यूकोडिप्लीशन के लिए जो कि बहुत सारे रिएक्शन क्रिएट कर सकता है पेशेंट को, उसके लिए अपन हमें ये जो मशीन है 1-2-3 जो ल्यूकोसाइट वाटर बैग यूज करते हैं, ल्यूकोसाइट्स उसको रिमूव करते हैं जिससे पेशेंट को रिएक्शन होने की संभावना। ल्यूकोडिप्लीशन के लिए ये वाटर बैग के अलावा अपन फिल्टर भी यूज करते हैं, जिसमें कि 4 लॉग ल्यूकोडिप्लीशन होने के कारण ये सेफ ब्लड अपन पेशेंट को दे सकते हैं और ये फैसिलिटी अपने लाइफ टाइम ब्लड बैंक में रेगुलरली अपन यूज करते हैं। ल्यूकोडिप्लीशन के बाद उसके ऊपर 2 पैरेलल प्रोसेस चलते हैं, एक तो बैग कंपोनेंट सेपरेशन के लिए जाती है और दूसरी जो अपन रक्त का जो नमूना है, ब्लड सैंपल है टेस्ट ट्यूब में, उसका कुछ टेस्ट करने के लिए यहाँ पर आती है इन्फेक्शन स्क्रीनिंग के लिए, जिसमें ब्लड ग्रुपिंग और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग के अलावा 5 इन्फेक्शन की टेस्ट की जाती है, जिसमें HIV/AIDS है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया और सिफिलिस। तो ये है पैंथर IDNET लैब। ये NAT और IDNET क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। 2% बैग ये इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव निकलती है, जिनको अपने को फेंक देना पड़ता है। अगर अपन 100 बैग अगर टेस्ट करते हैं तो 2 बैग HIV, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के लिए पॉजिटिव निकलेंगे और उसके कंपोनेंट के थ्रू अगर देखेंगे तो हर बैग के 3 कंपोनेंट यानी 6 पेशेंट को इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, लेकिन आज भारत देश के लाखों लोगों को रक्त की आवश्यकता है। इसकी पूर्तता के लिए लाइफलाइन ब्लड बैंक ये 17 सालों से दिन रात अविरत सेवा में जुटी है।